आइए आज के वचन में चलेंगे जो परमेश्वर ने मेरे को दिया है, और मैं विश्वास करता हूं कि ये वचन आप सभी के लिए आशीष का कारण रहेगा। आज हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का तरीका ढूंढेंगे, द कीज टू हिज प्रेजेंस। आप में से कितने लोगों को मैं सवाल पूछूं कि आपको आपको मालूम है हम जिंदा खुदा की आराधना करते हैं? मालूम है? आज आप मेरे से बात करिए, ठीक है? क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि मैं बुतों से बातें कर रहा हूं। बुत समझते हैं आप? स्टैचूज, हाँ, उनसे बात करो तो क्या होता है? वापस आंसर नहीं आता ना। मगर मैं चाहता हूं आज आपसे बात करूं। आप जानते हैं परमेश्वर की आराधना करना क्या है? नहीं, नहीं? अरे आपके सबके नाम के पीछे बड़ा बड़ा मसीह लिखा है, शिंदा मसीह, चिंदा मसीह, सबके नाम के पीछे इतना बड़ा बड़ा मसीह लिखा है, तो आराधना का मतलब क्या है? आप मुझे बताइए, व्हाट इज वर्शिप? आराधना के साथ बंधन। मैं पूछ रहा हूं आराधना से क्या होता है हमको मालूम है, मगर आराधना क्या है? परमेश्वर से जुड़ने का कारण। जुड़ने का कारण, ओके। चलो एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आपको कैसे मालूम कि आप परमेश्वर से जुड़ गए? सवाल है ना, मैंने आराधना की तो मुझे कैसे मालूम चलेगा कि मैं पिता से जुड़ा भी हूं या नहीं जुड़ा? ताली बजा के, कमर हिला के हम घर वापस, लंगर खाके। ये हंसने की बात नहीं है, ये हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। आपका एक एक क्षण कीमती है, हमारा एक एक सेकंड कीमती है। रोमियो 12 का एक, उनको बोलने देना तू। ये जो गोवा वाला है सारे स्मार्ट हो गया, अब पंजाब वाले भी सुपर स्मार्ट होना है। स्मार्ट ऐसे स्मार्ट होना चाहिए कि तीर का नोक के जैसे स्ट्रेट, एकदम शैतान के सीने के अंदर से आर पार, ऐसा स्मार्ट होना चाहिए कि आपको कोई पकड़ ना सके। आपके बिजनेसेस इतने आगे बढ़ने चाहिए कि आपको कोई नीचा ना कर सके। आपके ऊपर एक रुपए का कर्जा नहीं होना चाहिए। 2020 साल एक एक क्षण परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का साल है। कल हमारी बिजली की तार कटी हुई पाई गई, और उसको लेके मैं काफी दुख हुआ, क्योंकि पिछले एक साल से मैं यहां पर सेवकाई कर रहा हूं, और पिछले एक साल से मतलब पिछले तीन बिल मैंने करीबन 20,000 रुपए के भर दिए, जबकि रहने वाला एक आदमी या दो आदमी है यहां पर। दुख इसलिए हुआ क्योंकि पैसा गया, गम नहीं, मगर दुख इसलिए हुआ कि जिन लोगों की मैं सेवा कर रहा हूं, जो लोग मेरी सेवकाई में दिन रात बैठे हैं, जिनके बच्चों के लिए मैं उपवास रख के बैठा हूं, और वो लोग दिहाड़ियां लगा रहे हैं और मैं यहां पे उपवास रख के उनके बच्चों के लिए बैठा हूं, वो लोग हमारे साथ ऐसा करें। मगर इस बात से एक बात समझ पाया कि इन लोगों की जिंदगी में कुंडियां डालने की जरूरत क्यों है? क्योंकि इनके घर में खुद बत्ती नहीं है, इसीलिए इनको बत्ती उधार लेनी पड़ रही है या चुरानी पड़ रही है। अगर हमारे घर में बत्ती होती या पावर होता तो हमें चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे घर में अगर परमेश्वर होता तो मुझे भीख मांगने की जरूरत, मेरे घर में अगर परमेश्वर होता तो मुझे डॉक्टरों के चक्कर लगाने की, मेरे घर में अगर परमेश्वर होता तो मुझे किसी भी बात की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे मांगने से पहले देने वाला परमेश्वर। तो ये साल आपके घर में और कुछ हो ना हो, परमेश्वर का होना जरूरी। आमेन। मेरी बात समझ रहे हैं? आइए हम प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपके आए हुए सभी लहू से खरीदे हुए लोगों का धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपकी आत्मा इनको छुए, इनको आजाद करे परमेश्वर, आप इन्हें एक नए लेवल पर लेकर चले खुदावन। आप इनके दिलों से बात करें प्रभु, ये छुड़ाए जाए, ये छुड़ाए जाए, ये नाम की कलीसिया ना हो प्रभु जी, ये काम की कलीसिया हो। सामर्थ इनके जिंदगी में इतना तेज फ्लो करे परमेश्वर कि ये बातों को समझ जाए और शैतान के साहचालों से बचे और आत्मा और अभिषेक में होकर आराधना करें। आमेन।
हम सबसे पहले यह समझना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें बचाया क्यों है, क्यों हम परमेश्वर में बचाए गए, परमेश्वर हमसे चाहता क्या है, हम परमेश्वर से क्या चाहते हैं। ये आप सभी को मालूम है, किसी को नोट चाहिए, किसी को वोट चाहिए, किसी को अपनी चोट को ठीक करना है, किसी को कुछ ठीक करना है, ये हम आपको मालूम है कि आपको परमेश्वर से चाहिए क्या। मगर परमेश्वर आपसे क्या चाहता है क्या आप ये जानते हैं? वो क्यों आया, क्यों सलीब पर गया, क्यों मर गया, क्यों क्या चाहिए, क्यों ऐसा उसने किया? उसने किया क्योंकि उसका एक खास कारण था। परमेश्वर हमसे संगति चाहता है। पिछले हफ्ते अगर आप मेरे साथ थे तो मैं बता रहा था संगति का मतलब क्या है। संग गति, आप अगर परमेश्वर के साथ गति में रहते हैं तो आप उसकी चाल को समझते हैं और उसकी गति को समझते हैं। आप दुनिया के साथ गति में रहते हैं तो आप उसकी गति में चले जाते हैं। कई बार गलत संगति की वजह से हम गलत बीमारियों को लेकर आते हैं, गलत चीजों को लेकर आते हैं, गलत बातें हमारी जिंदगी में हो रही होती। मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने दूंगा। पंजाब में दो लड़कियां हैं, वो विश्वास, एक लड़की विश्वास में थी, एक लड़की विश्वास में नहीं थी। वो लोग नर्स है कहीं पे, और उन्होंने मेरे को फोन किया एक बार, सिस्टर नेहा को कॉल किया, और वो बोलने लगी कि मेरे को ना ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है मेरे शरीर में। तो सिस्टर नेहा ने बोला, आपके कमरे में जो आपका पीजी है उसमें कौन रहता है? कहते तो वो वाली लड़की रहती है। क्या उसको भी यही तकलीफ हो रही है? उसने बोला हाँ, उस लड़की को भी यहां यहां पे दर्द होता है, उसको भी यही तकलीफ होती है, वही तकलीफ मुझे होने लगती है। कई बार जब हम गलत संगति में जाते हैं, जो गलत काम या गलत बातें या गलत चीजें उनकी लाइफ में हो रही होती हैं, वो हमारी चीज लाइफ में भी होने लगती है। आर यू गेटिंग इट? अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो हम गलत बातों के ऊपर चढ़ जाते हैं, वो हमारे ऊपर नहीं चढ़ती, हम उनके ऊपर चढ़ बैठते हैं। ये परमेश्वर की उपस्थिति का होने का तरीका है। परमेश्वर हमसे संगति चाहता है, वो चाहता है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ चलें और उसके साथ अपना जीवन व्यतीत करें। जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी मौत है। आदम ने पाप किया, मगर क्या वो शारीरिक रूप से मर गया? बताइए जी, आदम पाप करके क्या मर गया था? उसके अंदर क्या मर गया था? उसकी स्पिरिट, उसकी रूह मर गई थी। जब यीशु मसीह दोबारा आया तो उसने अपने लहू के जरिए से कि जो कोई एतबार करे वो मरेगा नहीं बल्कि अनंत जीवन पाएगा। मैं आज आपको तरीके बताना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का। जब हमने परमेश्वर प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता करके ग्रहण किया तो हम क्या हुए? हम बेकार थे और बेकार ही रहेंगे। हम मरे में से जी उठे, ठीक है? फॉलोइंग जीसस का मतलब क्या है? यीशु के पीछे चलने का मतलब क्या है? जो यीशु ने किया वो भी हम करें। यीशु पानी का बपतिस्मा लेता है, हम भी पानी का बपतिस्मा लेते हैं। यीशु मसीह बोलता है कि आदमी आत्मा और पानी से ही नया जन्म पा सकता है। पुराना जन्म मेरा पाप का था, मगर मैं नया जन्म पाता हूं, मेरी रूह जिंदा हो जाती है। और इस जिंदा रूह से परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर मालूम है जिंदा रूह के लोगों को ढूंढ रहा है। कहां लिखा है? यूहन्ना 4:23। सब मिलके पढ़े, आज बाइबलों को खोलना, उनके ऊपर से धूल हटाना और उनको खोली आज। यूहन्ना 4:23। यूहन्ना 4 में हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से मिलता है, और वो सामरी स्त्री को यीशु मसीह सच्चाई बताता है कि तेरे 5 पति हैं। और सामरी स्त्री गोलमटोल नहीं करती, बोलती यस लॉर्ड, तुम जो कहते हो ये सच है। मगर वो एक बात में गोलमटोल करने लगती है कि हम उसकी आराधना उस पहाड़ पे जाके करते हैं, हम इसकी आराधना इस पहाड़ पे करते हैं, ये सब एक गोलमटोल सी बातें करने लगती है। जब आप किसी का पाप पकड़ लेते हो ना, वो आपसे आंखें चुराने लगता है, आपकी प्रेजेंस में से भागने लगता है, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये जो भविष्यवाणी का वचन मिला है ये एक्चुअली उनको नीचे गिराने के लिए नहीं मिला है, ये उनको ऊपर उठाने के लिए मिला है। पौलुस कहता है भविष्यवाणियां या जो वर्ड ऑफ नॉलेज है, जो वर्ड ऑफ ज्ञान का भेद की बातें हैं, वो परमेश्वर इसलिए बताता है कि लोगों को ऊपर उठाया जाए। कई चर्चिस में ऐसा होता है कि लोगों को नीचा गिराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस बात में उसने हमको थोड़ा बुद्धि दिया है, क्योंकि अगर कोई बात ऐसी होती है
जो हमें आपके पब्लिकली नहीं करनी चाहिए, तो शायद मैं आपको फोन करके पूछता हूं, ऐसा तो नहीं। और यीशु मसीह, और जब यीशु मसीह इस लड़की की गड़बड़ी को पकड़ता है, तो ये अपने आप को आत्मिक दिखाने लगती है। कितने लोग ऐसा करते हैं, जैसे ही गड़बड़ी पकड़ी जाती है, ओहो तुहानू पता नहीं है मेरे दादाजी, ओहो हो हो, वो तो 40 दिन हर साल फास्ट रखते थे, मेरे पिताजी 80 दिन, मैं 200 दिन। आत्मिक दिखाते हैं। और 200 दिन फास्ट कैसे रखते हैं, सवेरे 3 बजे खाना खा लेते हैं, उसके बाद शाम को 3 बजे खा लेते हैं, उसके बाद रात के 9 बजे खा लेते हैं। फास्टिंग है, फास्टिंग नहीं, फीस्टिंग है। ऐसा होता है। चलो मैं इसलिए नहीं बोलता, जिसको शरीर जितना वो मदद करता है उतना उपवास रखना चाहिए, मगर जब जिस किसी का पाप पकड़ा जाता है, वो अपने आप को आत्मिक दिखाने की कोशिश करता है। प्लीज आज थोड़ी दवाई कड़वी है, मगर खा लेना, चंगा ही पाओगे। अरे सब आमीन बोल रहे हंस के, सुनो इस बात को सुनना। यीशु मसीह लेडी से क्या कहता है, यूहन्ना 4:23 में, अगर आप सही में परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते हैं, इस बात को ध्यान से सुनना। यूहन्ना 4:23 में यूं कहता है, परंतु वह समय आता है अब जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। आराधना कैसा होना है, जरा पंजाबी में पढ़िए। पर वह समय आउंदा है सगो होने है, जो सच्चे भगत आत्मा और सच्चाई नाल पिता दी भक्ति करेंगे, क्योंकि पिता एहो जेहे भक्ता नु चाहुंदा है। आपकी आराधना कैसे होनी चाहिए, दो बातों से होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, जोर से बोलिए, कैसे होनी चाहिए। अगर आप आत्मा से आराधना कर रहे हैं, सच्चाई से नहीं कर रहे हैं, तो आपकी आराधना नहीं होगी। अगर आप सच्चाई से आराधना कर रहे हैं और पवित्र आत्मा में होकर अपनी आत्मा के साथ आराधना नहीं कर रहे हैं, तो भी आपकी आराधना क्या नहीं होगी, क्योंकि पिता ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो कैसे आराधना करते हैं, कैसे, जोर से बोलिए, कैसे, कैसे, हमको कैसे आराधना करना है, आत्मा और आत्मा। जैसे कि मैंने बताया, जब आपने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, पानी का बपतिस्मा लिया, आपका आत्मा जीवित हो गया, आप नया जन्म पा लिया है। अब आपको सच्चाई से आराधना करना है। आपको मालूम है सच्चाई क्या है, मार्ग सत्य और जीवन कौन है, कौन है, कौन है, आत्मा जीवित हुआ है, मार्ग कौन है, कैसे जीवित हुआ है। जैसे हम यीशु मसीह में गया, हम जीवित हो गया। आपको मालूम है, बच्चा जब मां के पेट में होता है, पानी में होता है, मां के पेट के अंदर एक थैली होती है जहां पर बच्चा पानी में होता है, मालूम है ना, है कि नहीं। जितनी माएं हैं वो जानती है, जब वो पानी का थैली फट जाता है तब बच्चा बाहर आता है, उसको जन्म मिलता है। उसी प्रकार से बपतिस्मा भी एक पानी की तरह है, हम पानी में जाते हैं और पानी से निकल के बाहर आते हैं, वो हमारा नया जन्म है। समझ गया ये बात को, नया जन्म हुआ है। हम आत्मा और सच्चाई से बात कर रहे हैं, ठीक है। सच्चाई कौन है, यीशु की, मार्ग सत्य और जीवन कौन है, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं जा सकता। अगर आप यीशु मसीह को ही नहीं जान रहे हैं, यीशु मसीह को ही नहीं पहचान रहे हैं, तो आप पिता तक नहीं पहुंच सकते। चाहे आप कितने भी धार्मिक हैं, आप कितना भी रोजा रखते हैं, कितना भी बाइबल पढ़ते हैं, कितना कुछ भी करते हैं, अगर आप यीशु मसीह को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, या यीशु मसीह की टीचिंग्स पे या उसके रास्तों पे नहीं चल रहे हैं, तो हमारा पिता तक जाना इम्पॉसिबल है। 14:6, यूहन्ना 14:6। यीशु ने उन्हें आख्या, राह अते सच्चाई अते जीवन मैं हां, कोई मेरे वसीले बिना पिता दे कोल नहीं आउंदा। जी, अब हमारे बॉर्न अगेन जो नया जीवन का एक्सपीरियंस कैसा है, हम इसको थोड़ा सा देखेंगे। हम मरे हुए थे, और बाइबल बताती है जो बुतों की आराधना करता है वो बुतों के जैसा, हाँ हाँ, बाइबल ऐसा कहता है या वचन निकाल के दिखाओ, कहता है जी, भजन संहिता में लिखा है, जो बुतों की आराधना करता है वो बुत के जैसा,
हो जाता है। जो यीशु मसीह की आराधना करता है किसके जैसा हो जाता है? जो यीशु मसीह की आराधना करता है वो किसके जैसा हो जाता है? यीशु मसीह कैसा है? सत्य है, पवित्र है, चंगाई देने वाला है, सामर्थी है। जब आप यीशु मसीह की आराधना करेंगे आप भी पवित्र हो जाएंगे, सामर्थी हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे। आमेन। यीशु मसीह ने आपको इसलिए बचाया ताकि वो आपको अपने जैसा बना सके, आपको अपने जैसा बना सके। उसने आपको इसलिए नहीं बचाया कि वो आपको सर के ऊपर पांव रख के जूतियां हिला सके। वो कहता है जहां पे तू मैं रहता हूं वहां तुझे भी रखूंगा, मेरे बराबर में रहेगा, मेरे बराबर में रहेगा। अपने बराबर का स्थान देने वाला परमेश्वर है प्रभु यीशु। वो कहता है तू मेरे साथ रहेगा, आपसे ज्यादा वो आपके साथ रहना चाहता है। हम में से बहुत सारे लोग शायद नशे में रहना चाहते हैं, व्यभिचार में रहना चाहते हैं, पता नहीं कहां कहां रहना चाहते हैं, मगर वो हमारे साथ रहना चाहते हैं। इस बात को आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा, मगर हम उसके साथ रह कैसे सकते हैं? हम उसके साथ रह कैसे सकते हैं? हम उसको देखेंगे। हर रोज आप परमेश्वर यीशु मसीह के साथ फेलोशिप कर सकते हैं। वो हर रोज का समय आप उसके साथ दे सकते हैं। अगर आप उसके जैसा सामर्थी बनना चाहते हैं, आप अपने जो पाप आपके ऊपर का आपके ऊपर हमला कर रहे हैं उसके ऊपर जीतना चाहते हैं, आपका केवल एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह। शायद गरीबी आपके ऊपर हमला कर रही है, शायद बीमारी आपके ऊपर हमला कर रही है, शायद कलेश आपके ऊपर हमला कर रहा है, मगर इन सब के ऊपर यीशु मसीह है। अगर आप उसके जैसे या उसकी संगति में रहेंगे तो आप उसकी गति में रहेंगे। वो पानियों पर चलता है, वो कब्रगाह में से जिंदगी निकालने वाला परमेश्वर है, वो कुछ नहीं में से सब कुछ बनाने वाला परमेश्वर है, वो लहू बहने की बीमारी उसके टच से ही खत्म हो जाती है, शराबी शराब छोड़ देते हैं, पापी पाप छोड़ देते हैं, उसके छूने से कोड़ी चंगे हो जाते हैं। अगर ये आपके जैसा, ये आपके साथ होकर चले तो कितनी सामर्थ की बात आपकी लाइफ में हो। कुछ लोगों को ये सामर्थ चाहिए? खाली 1% लोगों को, बाकी लोगों को चंगाई चाहिए, नोट चाहिए, कुछ लोगों को हस्बैंड चाहिए, कुछ लोगों को वाइफ चाहिए। सामर्थ्य लोग 1% आदमी को करी ना, ये क्या है? कुछ लोगों को ये सामर्थ्य सही में चाहिए? Yes. चाहिए। आइए हम मत्ती 6:10 पढ़ें। यहां पर प्रभु यीशु हमको एक ट्रिक बता रहे, एक तरीका बता रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की इच्छा क्या है हमारी लाइफ में। मत्ती 6:10 यूं कहता है, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। यहां पर कुछ बातें बहुत खास लिखी गई हैं। तेरा राज्य आए, जैसी इच्छा तेरी स्वर्ग में पूरी होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। पंजाबी में पढ़िएगा, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिही स्वर्ग विच पूरी हुंदी है जमीन उत्ते भी होवे। आमेन। स्वर्ग में कौन कौन है? स्वर्ग में कौन कौन है इस समय स्वर्ग के सिंहासन में? बताइए पाजी। यीशु मसीह, यीशु मसीह और उसके साथ कौन है स्वर्ग में? कौन है? पिता परमेश्वर, उनके दाहिनी साइड में यीशु मसीह बैठे हैं, स्वर्ग दूत हैं। और स्वर्ग में क्या क्या चीजें हैं? जिंदगी की नदियां हैं, जिंदगी का पेड़ है, और बाइबल बताती है उस पेड़ के पत्तों से जाती जातियां चंगी कर दी जाती है। वहां पर स्वर्ग दूत है जो परमेश्वर की सेवा टहल में 24 घंटे लगे रहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। क्या स्वर्ग में कोई बीमार है? क्या स्वर्ग में रोना धोना है? क्या स्वर्ग में गरीबी है? खुशी खुशी है। जहां सड़कें सोने की है वहां गरीबी? यहां चिंदी पर सोना खरीदने के जाओगे पसीना आने लगता है। हाँ जी, और वहां सड़कें, मेरे को एक बार मौका मिले 2-4 ब्रिक ले आऊंगा, सड़कें उठा के ले आऊं खोद के, एक बार मौका मिले वापस आने का। नहीं आएंगे थोड़ी ना, यहां पे ज्यादा अच्छा है, वहीं रुक जाऊंगा। तुम आओ, यीशु मसीह भी कहता है तुम आओ, कम से कम 2-4 ईंटें ही निकाल के ले आओ। सारे शाहपुर का स्यापा मुका दूं, आजू बाजू की सारी पहलियां अपनी पालो, घोड़े पालो, गधे हाथी जो पालना है पालो। वहां पर पिता है, वहां पर पुत्र है, वहां पर आशीषें हैं, बरकत है, चंगाई है।
जब यीशु मसीह ने आपको नया जन्म दिया तो आप यीशु मसीह के जैसे हो गए, यीशु मसीह के बराबर वाले हो गए। सुनो, यीशु मसीह स्वर्ग में है, आप नीचे हैं। यीशु मसीह के बेटा या यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग के हिसाब से आपका काम क्या है कि स्वर्ग की उपस्थिति को कहां लेकर आना है? जैसा तेरा राज्य ऊपर है वैसा वैसा वैसा। जब कोई तांत्रिक काला जादू करता है तो क्या होता है? बुरे काम होने लगते हैं, गलत काम होने लगते हैं। एम आई क्लियर? होते हैं, काली शक्तियां उतर आती हैं। एक सच्चा आराधक जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है तब क्या होगा? वहां पर कौन उतरेगा? कौन उतरेगा? और इसको कौन लेकर आएगा? सच्चा आराधक। वो कौन है? परमेश्वर नहीं, आप सब। फिर से चालू करो। उसने आपको नया जीवन दिया ताकि आप आत्मा में जिए और सच्चाई को जाने, यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह को जानते हुए जब आप आराधना करेंगे तो सामर्थ आपके ऊपर उतरेगी, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगी। पेंतिकुस के दिन में क्या हो रहा था? 120 आदमी आत्मा और सच्चाई में आराधना कर रहे थे, और पेंतिकुस का दिन उस समय होता है और एक बारी में 3000 लोग बचाए जाते हैं। 3000 लोग एक सेकंड में। खाली बोलेगा पतरस कर रहा था नहीं, 120 एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। यहां पे आपको इस काम के लिए बचाया गया है ताकि आप आराधना करें और उपस्थिति आपके ऊपर उतरे। आर यू गेटिंग इट? जब उपस्थिति उतरती है तो क्या होता है? पत्रुस और पौलुस और सिलास जेल में थे, उपस्थिति उतरी, क्या हुआ? खाली अकेला बाहर आया? सबके सब बाहर आ गए। पत्रस और यूहन्ना को जेल में डाला गया, वो आराधना करने लगे। क्या हो रहा था? बाइबल बताती है पूरी जगह हिलने लगी। ये आम आदमी थे, आपके और मेरे जैसे। जब ये प्रार्थना करते हैं तो स्वर्ग की उपस्थिति आती है। पिता चाहता है कि वो आपकी लाइफ के अंदर आए। सवाल ये है कि क्या आप चाहते हैं कि आप पिता को अंदर आने दें? यीशु मसीह कहता है मैं बुआ खड़काऊंगा। वो कहता नहीं मैं लात मार के अंदर घुस जाऊंगा, मैं खड़काऊंगा, जो खोलेगा उसके साथ आऊंगा। तो क्या आप अपनी जिंदगियों को यीशु मसीह के लिए खोलने को तैयार हैं? Yes. हाँ जी। Yes. साधने वाले सुत्ते पए हैं। हाँ जी, तैयार हैं? Yes. ओके, स्टेप नंबर वन, आपका काम है ब्रिज बनना। ब्रिज मालूम है कैसा होता है? ब्रिज पे पुल के ऊपर कभी चले? Yes. पुल का काम क्या होता है? कि वो दो जगहों के बीच में लेट जाता है। हमारा काम क्या है? स्वर्ग और इस दुनिया के बीच में लेट जाना, ताकि जो लोग स्वर्ग के बारे में नहीं जान पाए वो स्वर्ग के बारे में जान पाए हमारे जरिए से। तो परमेश्वर का काम यही है कि वो आपको बचाया है ताकि आपके जरिए से वो स्वर्ग के राज्य को नीचे उतार सके। समझ में आ गई ये बात? ओके जी। स्टेप नंबर वन, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते हैं, उसका स्टेप नंबर वन 122 का एक, भजन संहिता 122 का एक, वहां पर यूं लिखा है, दाऊद का गीत है, यहां पर यूं लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन चलें, तब मैं क्या हुआ? क्या हुआ? तब मैं क्या हुआ? आपको जब कोई बोलता है चर्च आइए, तब आपको क्या होता है? फिर अगर आपको परमेश्वर की उपस्थिति आनंदित नहीं करती है तो आपको जिंदगी में कुछ भी आनंदित नहीं कर सकता। जैसे ही दाऊद कहते हैं हम खुश हुए, वो कहता है मेरे अंदर एक स्पीड आ गई, मेरे अंदर एक ताकत आ गई, मैं खुश हुआ। खुश कैसे हुए? चर्च आ रहे हैं। इससे बढ़िया घर में सोइए। मैं खुश हुआ, उसने बोला कि परमेश्वर के घर चले, मैं खुश हुआ। जब खुशी होती है ना, आपको धक्का मारने की जरूरत नहीं पड़ती, आप वैसे ही निकल चलते।
अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाना चाहते हैं, पहले अपने आप को खुश करें परमेश्वर की उपस्थिति में, क्योंकि सारी बातें हां और आमीन में हो जाती हैं जब उसकी उपस्थिति आती। मैं खुश हुआ जब लोगों ने कहा उसके घर चले, मैं खुश हुआ जब चर्च से फोन आया, मैं खुश हुआ जब चर्च से SMS आया, मैं खुश हुआ जब उन्होंने मुझे न्योता दिया, मैं खुश हुआ कि जब उन्होंने फ्री में दारू पिलाते हैं तो लोग ऐसे दांत निकाल के पहुंच जाते हैं। मुर्गा बना है, 32 की जगह 64 दांत मुंह में आ जाते हैं। तीसरी सब्जी बनी है, 200 दांतों का मुंह, मगर कलीसिया जाना है तो रोता हुआ मुंह। मैं खुश हुआ जब उसने कहा कि हम परमेश्वर के घर चले। अगर आप आनंदित नहीं है तो आप अपनी लाइफ को आज चेक करने लगे कि अगर कोई ऐसी बात हो रही है तो। ये उपस्थिति में जाने का पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, भजन संहिता 100 का 100 का 4 और 5। मैं दाऊद की बात इसलिए कहता हूं क्योंकि वो एक आराधना करने वाला था। आराधना करने वाला गोलायत का सर निकाल लेता है। आराधना करने वाला राजा बन जाता है। आराधना करने वाला, उसके हो सकता है हजारों कमी पेशियां हो, मगर आराधना की वजह से वो कितना ऊपर उठाया गया। हम क्या करते हैं, आराधना का टाइम भीड़ को बिठाने का है। पास्टर जी आराम से उठेंगे, मेरे आराधना में यहां पर सबसे पहले होना चाहता हूं, क्योंकि जितनी आपको जरूरत है उतनी जरूरत मुझे भी है उसकी उपस्थिति की। उसकी उपस्थिति कोई छोटी बात नहीं है, वो बहुत महंगी चीज है, बहुत मुश्किल से मिलती है। आइए जो दूसरा स्टेप है वो हम देखेंगे। आपको मालूम है पुराने नियम में जो मंदिर था या जो मूसा ने तंबू बनाया था उसके कपाटों में घुसने के तरीके थे, उसमें कोर्ट्स थे, उसके हिस्से थे। पहले एक दरवाजा था, दरवाजे के बाद बलिदान की वेदी थी, बलिदान की वेदी के बाद एक ऐसा कमरा था जहां पे 7 दीवट चलते थे। जब हम बाइबल क्लास में जाएंगे इसको और ध्यान से देखेंगे, अभी मेरे पास यहाँ पे टीवी नहीं आपको दिखाने के लिए। और उसके बाद जहां पे 10 आयतें रखी हुई थी वो चीज थी जो अति पवित्र जगह थी। तो जब याजक क्या बोलता है परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए अंदर आता था तो वो पहले धन्यवाद के साथ फाटक से घुसता था, अपनी मेल बलि चढ़ाता था, अपने पापों के लिए बलि चढ़ाता था। उसके बाद वो बीच वाले कमरे में जाता था जहां पे दीवट रखे हैं और जहां पे रोटी रखी है, और फिर वो परमेश्वर की अति पवित्र जगह पर जाता था। ऐसी जगह पर अगर याजक की जिंदगी में जरा सा भी पाप हो वो मर जाता था। उसको कमर में चेन डाल के अंदर भेजा जाता था कि अगर वो मर गया तो चेन से बाहर खींच ले। हमारा धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने वो पर्दा फाड़ दिया है और पवित्र आत्मा आज हमारे बीच में है और आज हम खुल के उसकी आराधना करने पा रहे हैं। उसी काम को हम नए इसमें देखेंगे। दाऊद कहता है भजन संहिता 104:5 में, वहां पर यूं लिखा है, सुनिए, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहती है। पढ़िएगा, धन्यवाद करते हुए ओहदे फाटकां दे अंदर अते उस्तक करते हुए ओहदे दरबार विच आओ, ओहदा धन्यवाद करो अते ओहदे नाम नु मुबारक आखो। यहोवा भला है, ओहदी दया सदीपक है अते ओहदी वफादारी पीरियों पीरी तिक है। Okay, सुनिएगा, पहला काम है खुशी। हम परमेश्वर के सामने जा रहे हैं, हम खुश होते हुए जाएंगे। दूसरा क्या है, हम धन्यवाद के साथ अंदर जाएंगे। अगर आप उसकी उपस्थिति में जाना चाहते हैं तो शुरुआत करिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, थैंक यू फादर, धन्यवाद, धन्यवाद तूने आज की दिन मेरे को 4 आदमियों के कंधे पर नहीं लेटाया। धन्यवाद प्रभु मेरी सांसें चल रही है, मेरे हाथ पांव ठीक है। धन्यवाद मेरे शरीर के ऊपर कपड़े हैं, धन्यवाद मेरे पांव पे जूते हैं, धन्यवाद मेरे सर के ऊपर छत है, धन्यवाद। जो कुछ उसने किया है अपनी जिंदगी में एक बार जरा सा उसको पीछे मुड़ के देखें। कितनी बार हमको एक्सीडेंट से बचाया है, बीमारियों से बचाया है, तकलीफों से बचाया है, लोगों ने हमारे को नीचे कर देना चाहा उसमें से बचाया है, तो क्या हम उसके लिए धन्यवाद नहीं कर सकते? हम पंजाब में प्रेयर कैसे करते हैं? यहाँ लाउड स्पीकर की प्रेयर है, सब जगह सुनाई देती है। तारीफ तारीफ धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ तारीफ धन्यवाद धन्यवाद, तारीफ तारीफ धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 खत्म। लेट योर प्रेज, आपका तारीफ जो कर रहे हैं आप, जो धन्यवाद कर रहे हैं, लेट दिस बी मीनिंगफुल ना। मैं आपको कहूंगा
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्या समझेंगे क्या समझेंगे? धन्यवाद आज आपने आराधना किया, धन्यवाद कल आपने मेरे को एक ग्लास पानी दिया, धन्यवाद मैं आपके घर आया आपने मुझे चाय पिलाई, धन्यवाद कल मैं आपके घर गया आपने मेरा सत्कार किया। तो परमेश्वर भी जानना चाहता है ना कि धन्यवाद क्यों कर रहे हो, धन्यवाद 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 धन्यवाद, सबका टेप चला हुआ। लेट्स बी मीनिंगफुल, हम जीवित परमेश्वर के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, जीवित पिता के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, पिता थैंक यू आज मैं सीढ़ी से गिरने वाला था, स्वर्ग दूतों ने मुझे बचा लिया, मैं जानता हूं आपने उनको मेरे पास भेजा, थैंक यू फादर आज मेरी बेइज्जती होने वाली थी हुई नहीं, आपने मुझे बचा लिया, पिता आज मैं गिर के मरने वाला था आपने मुझे बचा लिया, पिता आज मेरे को कोई बीमारी नहीं लगी धन्यवाद आपने मुझे बचा लिया, पिता आज मेरे घर में मेरे को ये आशीष मिली है, मेरे घर में नया फोन आया है नया टीवी आया है मैं आज चल फिर पा रहा हूं धन्यवाद पिता धन्यवाद। क्या हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते, धन्यवाद 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 धन्यवाद, जल्दी है कहीं जाने का, आपके पास समय कम है उसके पास इटर्निटी है, इटर्निटी मतलब जिसका कोई अंत नहीं होता, आराम से धन्यवाद। कोशिश कर सकते 10 सेकंड्स की धन्यवाद करेंगे आज सवेरे के लिए, धन्यवाद कर सकते आंखें बंद करिए, यहीं से प्रैक्टिकल चालू आपका, आंखें बंद करिए और कोई किसी को सुनेगा नहीं, अगर आपने दिल में धन्यवाद बोलना चाहते हैं धन्यवाद करिए आज सवेरे के लिए, आप धन्यवाद करिए कि 2020 तक पहुंच गए बॉस, गारंटी नहीं थी 2010 क्रॉस करने की गारंटी नहीं थी 2020 तक आ गए हम, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद, कितनी बार हम सुसाइड करना चाहते थे आपने बचा लिया धन्यवाद, परिवार दिया है बीवी दी है बच्चे दिए हैं धन्यवाद, आमेन। दूसरा चीज है, जब याजक जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से उसके मंदिर में मिलने जाता था उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ जाता था, और धन्यवाद के साथ वो एक एक कोई जानवर या कोई पंछी अपने साथ लेकर जाता था जिसको वो अपने पापों के लिए बलि चढ़ाया करता था, और वो लहू जो है वो पूरे वेदी पर छिड़का जाता था जिससे उसके पाप क्षमा हो। आदम ने पाप किया, परमेश्वर ने एक जानवर को काटा और उसके लहू से आदम के पाप क्षमा हुए। हमारे पाप कैसे क्षमा हुए? कौन है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने अपना लहू कतरा कतरा हमारे पापों के लिए बहा दिया। ओके, अब हम जब परमेश्वर के सामने जाते हैं, सुनो, जब आप अपने आपका बाप आपको डराता है या मम्मी डराती है तो वो क्या बोलती है? तू मेरा खून है, खबरदार शिंदे की लड़की के साथ शादी की थी, ऐसा बोलते हैं? तू मेरा लहू है। ठीक है, हम कम्युनियन में क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह का लहू ले रहे हैं। तो हमारे अंदर किसका लहू है? किसका? किसी मेमने का नहीं, किसी बकरे का नहीं, यीशु का लहू हमारे अंदर। क्या आप यीशु मसीह है? हम लोग ज्योति हैं, ज्योति में चलकर चलते हैं, उसके बाद क्या होता है जी? ता साड़ी आपो विच संगत है, अति उहदे पुत्र यीशु दा लहू सानू सारे पापा तो शुद्ध करदा है। आमेन। मैं गलती किया है मगर जब मैं यीशु मसीह के लहू के नीचे आता हूँ तो परमेश्वर उस लहू को पहचानता है क्योंकि वो उसका लहू है। वो किसी मेमने का नहीं है, बकरे का नहीं है, किसी कबूतर का नहीं है, मुर्गी का नहीं है। वो कहता है यार ये तो मेरा बेटा है, ये तो मेरा पोता है, वो तेरी
मैं किसी ड्रग एडिक्ट को नहीं देख रहा हूं, मगर मैं यीशु मसीह को देख रहा हूं। उसका लहू है इसके ऊपर, ये उसका लहू है, ये उसका लहू है। जब हम माफी मांगते हैं ये लहू हमारे ऊपर आ जाता है, वो लहू हमें शुद्ध करता है और मैं पवित्र उसकी प्रेजेंस में जा सकता हूं। ओके, अपनी जिंदगी को 5 सेकंड के लिए जांचिए, 5 सेकंड्स, 1 2 3 4 5, 5 सेकंड्स के लिए। और अगर कोई बात जिसके लिए माफी मांगनी है, अभी माफी मांग लीजिए, 5 सेकंड आपके पास है। जब आपने परमेश्वर का लहू लगाया, रिपेंट किया, उसके बाद वचन को खोलो, क्योंकि उसके बाद वो भीतरी कोर्ट में जा सकते हैं जहां पर पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा आपके साथ उस जगह पर संगति करने लगती है। उसके बाद आप बाइबल पढ़ो, प्रकाशन पे प्रकाशन मिलता रहेगा, 1 by 1, 1 by 1, 1 by 1। अभी तक ये शायद किताब थी, मगर जब पवित्र आत्मा से होकर पिता की संगति में आप आओगे, ये किताब आपसे बात करने लगेगी। आपका मोबाइल आपसे इतनी बातें नहीं करता जितना ये किताब आपसे बात करने लगेगी। आपकी जिंदगी को एक्सपोज कर देगी, जितने दर्द हैं, जितने तकलीफ हैं, उन सभी को एक्सपोज कर देगी जब आप पवित्र आत्मा में होकर। ये स्वर्गदूत है जिनके 6 पंख थे, 2 पंखों से उन्होंने अपने मुंह को ढापा था, 2 पंखों से उन्होंने अपने पांव को ढापा था, और वो एक दूसरे को पुकार पुकार कर कह रहे थे कि सेनाओं का यहोवा पवित्र है, पवित्र है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुराने वाले पुकारने वाले का शब्द देवड़ियों की नीवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाले मनुष्य और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है। परमेश्वर की उपस्थिति में स्वर्गदूत हैं और स्वर्गदूतों के पास 6 पंख हैं, 2 से उन्होंने अपना चेहरा ढापा है, 2 से उन्होंने अपना पांव ढापा है, और 2 से वो उड़ उड़ के कह रहे हैं पवित्र पवित्र। आप तारीफ कर सकते हैं, सुनो, आप परमेश्वर की तारीफ उस बातों के लिए कर सकते हैं जो बातें आपने अपनी जिंदगी में देखी। शायद आप चंगे हुए, परमेश्वर ने आपको पैसा दिया, शायद आपके परिवार में कोई चंगा हुआ, कोई छूट गया, उस बातों के लिए आप तारीफ कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। मगर आराधना आप उसी चीज की कर सकते हैं जिसको आप समझते हैं। परमेश्वर के पवित्रताई से मेल खाने वाला इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, इसीलिए वो आराधना के योग्य है, क्योंकि उससे मेल खाता हुआ कुछ भी नहीं, वो इतना पवित्र है, इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं। जहां स्वर्गदूत उसको देखते हैं वो अपने मुंह को ढक लेते हैं, इंटीमेसी बोलते हैं इसको, एक हो जाना परमेश्वर के साथ। ठीक है, जब पति पत्नी एक होते हैं तो क्या होता है, एक बच्चा होता है। यीशु चर्च का क्या है, ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह आएगा सबसे एक एक करके शादी करेगा, ऐसा नहीं है। एक मेटाफोरिकली, एक एग्जाम्पल के तौर पे बोला जाता है, वो पति है और चर्च उसकी दुल्हन है। जब चर्च और यीशु मसीह एक होंगे तो एक दर्शन होता है, एक आशीष पर। जब भी मैं देखता हूं, सपने में देखता हूं कि मेरे पास एक गोदी में बच्चा है, वो अरसला नहीं है, अरसला को मैं दूर देखता हूं, ये मेरा चर्च है, जो दर्शन परमेश्वर ने दिया है उसको मैं एक बच्चे के रूप में देखता हूं। उस बच्चे को हम लालन पालन कर रहे हैं, सुनना इस बात को। यशाया नबी यूं देखता है कि वहां पे परमेश्वर है, वो अति पवित्र है, और वहां पर जितने स्वर्गदूत हैं वो आराधना कर रहे हैं अपने मुंह और हाथ पैरों को छुपा के। हम भी कई बार आराधना क्या करते हैं, हमें लुक कर, माँ बच्चे को दूध कैसे पिलाती है, लुको के। ठीक है, पति पत्नी से प्यार होता है लुको के, परमेश्वर के साथ इंटिमेसी होती है अकेले में, अकेले के समय की हुई प्रार्थना। सवेरे का समय, रात का समय, कोई भी एक समय लीजिए जहां पे आप अकेले हैं और वहां पर परमेश्वर से प्रार्थना करिए। इस बात को हम देखेंगे पहला राजा 18 के 42 और 46 में। यहां पर एलिया प्रार्थना कर रहा है, वो कैसे प्रार्थना कर रहा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये कहानी उस समय की है, एलिया ने भविष्यवाणी की, पूरे इसराइल में क्या बोलते हैं, अकाल आ गया। फिर परमेश्वर ने एलिया को कहा कि मैं ये अकाल के लिए बारिश भेजने वाला हूं, भेजा नहीं, भेजने वाला हूं। परमेश्वर ने आपको वायदे दिए हैं और वायदों के परमेश्वर यूं चाहता है कि आप परमेश्वर के साथ एक। कितने लोगों को परमेश्वर ने यहां पर वायदे दिए, मेरी बात समझ आ रही है,
कितने लोगों को परमेश्वर ने वायदे दिए हैं कि मैं तेरी जिंदगी में ये काम करूंगा? हाँ दिए हैं, दिए हैं प्रभु, दिया है, दिया है कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, आशीष दूंगा, बरकत दूंगा, तेरी आने वाली कौम को आशीष दूंगा। अब उसको सच्चाई में लाने का तरीका क्या है? एलिया को परमेश्वर ने कहा मैं बारिश भेजने वाला हूं। एलिया क्या कहा? बारिश आएगी, चल ले, चल घूमने चलिए, क्रिकेट खेलने चलते, बारिश आ जाएगी, हम क्रिकेट में बैठ के घर आ जाएंगे, घर में पकोड़े वकोड़े बोलेंगे, आंटी को बोलेंगे पकोड़े बना के रखना, हम आएंगे। एलिया क्या करता है सुनो, पहला राजा 18 का 42 और 46 तक। तब अहाब खाने पीने चला गया, ठीक है, दो किस्म के लोग हैं। एलिया ने बोला बारिश आने वाली है, राजा बोलता मैं खाने जा रहा हूं, मगर परमेश्वर का दास वहीं रुक जाता है। और वो क्या करता है सुनो, तब अहाब खाने पीने चला गया, एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच में कर लिया, भूमि में गिर के अपना मुंह घुटनों के बीच में कर लिया। सराफ कैसे आराधना कर रहे थे? अपने मुंह को लुको के, पांव को लुको के। एलिया ने अपना मुंह घुटनों के बीच में डालकर प्रार्थना करने लगा। हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ, ये मर गई। अपने शरीरों को जीविता बलिदान चढ़ाइए। हम परमेश्वर से बहुत कुछ चाहते हैं, मगर हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करना चाहते। अगर आप अपनी जिंदगी में वायदों को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं, उसकी उपस्थिति चाहते हैं, तो आज अपने कमरों में जाओ और अपने घुटनों के बीच में सर डाल के मुंह के बल लेट के आराधना करो, देखना उसकी उपस्थिति उतरती है कि नहीं। सब लोग जो उसको देख रहे होंगे सोच रहे भगत हो गया ये तो, यार वेस्टेज है। दो मार चिट्टा, बारिश तूफान आ जाएगा यहां पे, बाल तुम्हें घुटना टांग में डाल के बैठा है। आराधना की एलिया ने और ऐसी बारिश हुई जैसे हुई ना। जब आप ऐसी आराधना करने लगेंगे ना, आपको एक भारीपन अपने आजू बाजू महसूस होगा। जब आप ऐसी उपस्थिति में परमेश्वर के साथ अकेले होंगे ना, आपको लगेगा सही में आप स्वर्ग दूतों को देख पाएंगे। परमेश्वर से प्रार्थना करना, पिता मेरी आंखों को खोल दे, आपकी आंखें खुलेंगी, आप महसूस कर पाएंगे जो स्वर्ग दूत, जो पवित्र आत्मा आपके आजू बाजू टहल रही है, आप उसको सही में महसूस कर पाएंगे। अपने शरीर में, अपनी रूह में, अपने हाथ पांव में आप उसको महसूस कर पाएंगे। पाप आपकी जिंदगी में टिक नहीं सकता अगर आप ऐसे प्रार्थना करेंगे। बीमारी, गरीबी, कुछ आपके ऊपर टिक नहीं सकती। दुष्ट आत्माएं आपके घरों में रुक नहीं सकती अगर आप इस रीति से प्रार्थनाएं करेंगे। जब वो एलिया अकेले में परमेश्वर के साथ इंटीमेट हो गया कि पिता मैं तेरे को छोड़ने वाला नहीं जब तक तू मुझे बरकत ना दे, जब तक तूने जो वायदे मेरी जिंदगी में किए हैं, मैं तेरे पांव को छोड़ने वाला नहीं, मैं तेरे पांव को छोड़ने वाला नहीं। और जब ऐसा होता है, भजन संहिता 46 का 10 यूं कहता है, स्थिर हो जाओ। क्या हो जाओ? और जान लो कि मैं प्रभु। भजन संहिता 23 कहता है कि वो मुझे स्थिर पानी के सामने ले चलता है। कभी आपने जानवरों को एक पानी से पीते हुए देखा है? जीवन का स्रोता कौन है? जब हम उसमें से पिएंगे, कभी जानवरों को पानी, डंगरों को पानी पीते देखा है? कैसे पानी पीते? डांस करते करते, एकदम चुपचाप से, स्टिल होके वो पानी पीते हैं। और जब वो पानी पी लेते तब उसके बाद वो नाचने लगते। हम पहले यहां पे ढिंचाटा पहले ही नाच लिया। पवित्र आत्मा से भरो और उसके बाद जो आराधना होती है उसका मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये खुद आपने एक्सप्लेन करना, ये खुद आपने एक्सपीरियंस करना। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। स्थिर रहो और जान लो कि मैं ही प्रभु। आज हम उसकी उपस्थिति में जाने का तरीका मैंने आपको बताया है, भूल ना जाना, इसको इस्तेमाल करो, इट्स पावरफुल। जो जो आपकी जिंदगी में, मैं जानता हूं बहुत सारे इश्यूज हैं, एक एक इशू आप अपनी बाइबल में लिख लो कि 2020 में मेरी जिंदगी में ये इशू था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नशे में था, मेरा पति, मेरा पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, लिख लो जितना लिख सकते हो, जितने कंप्लेन लिख सकते हो लिख लो उसके अंदर। अगर आपने एक साल ऐसे प्रार्थना की
2021 में अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं आए तो वो पर्ची मुझे दिखाना, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ऐसा एक भी नहीं हुआ जिसने परमेश्वर को छुआ हो और उसके हालात ना बदले। क्या हम इसकी तैयारी कर सकते हैं आज से? क्या हम इसकी तैयारी कर सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा नहीं आराधना कैसे करनी है, मगर आप आज आराधना करेंगे। आमेन। ऐसा सब आप धन्यवाद करें। अगर कोई ऐसी बात है, ऐसे कोई पाप है जो पवित्र आत्मा आपके दिल में डाल रही है, वर्शिप टीम आप भी, अगर कोई ऐसी बातें हैं जो आपके दिल में परमेश्वर डाल रहा है, शायद कोई सोच हो, शायद कोई ऐसी बात हो जो हमें परमेश्वर से दूर रख रही है, शायद कोई गलत ख्याल हो, आप अपने आप को जांचें। जितने लोग यहां पर हैं उन बातों को ढूंढें। शायद हम लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचते, शायद हम अपने आप को सबसे बड़ा सोचते हैं, शायद हम अपने आप को सबसे नीचा सोचते हैं, शायद हम किसी से जलन रखते हैं, शायद हम किसी के ऊपर घमंड रखते हैं, शायद हमारे अंदर कोई बात होगी, मैं सबसे गोरा हूं, सबसे लंबा हूं, सबसे मोटा हूं, सबसे पतला हूं, मुझे नहीं मालूम क्या है। अगर ये सारी बातें हैं तो परमेश्वर के हाथ में आज इसको दे दीजिए, कहिए आई एम सॉरी, मुझे आप माफ करें, मुझे आप माफ करें पिता, मुझे आप माफ करें पिता, मुझे आप माफ करें। तेरा लहू लगाते हैं प्रभु अपने पापों के ऊपर, तेरा लहू लगाते हैं पिता, तेरा लहू लगाते हैं, तेरा लहू लगाते हैं, तेरा लहू लगाते हैं, तेरा लहू लगाते हैं, तेरा लहू लगाते हैं अपने ऊपर। होली स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट ऑफ गॉड, होली स्पिरिट ऑफ गॉड, तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। जब स्वर्ग दूतों ने परमेश्वर को आजू बाजू आए, वो कहने लगे तू पवित्र है, उसको कहें तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है, उसको कहें तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है पिता, मुझे पवित्र कर। ओ तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, शिखे तो ओ मेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, रीबाला रखा तो Yes, Lord. Come down. Father, you come down. Come down. Utara. Humme se ek ek ke upar. Hallelujah. You are here, God. Hallelujah. Aap yahan maujood hain, Lord. Hallelujah. Aapki samarth yahan hai. आइए पिता, हालेलुया, आइए पिता, हालेलुया, आइए पिता, हालेलुया, आइए पिता, हाले, आइए, हालेलुया, खुदा बनाए, खाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। Fall in this place. पुकारो तू दौड़े आता, वो यहाँ पर मौजूद है, मैं गिरूं